भारतीय सेना के पीओके पर दिए गए बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस बयान पर अब पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग ISPR ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय सेना के विचार उनकी घरेलू राजनीति के अनुसार ही है और साथ ही लॉन्चपैड और आतंकवादियों के निराधार आरोप से वे हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से ऐसे बयान जम्मू कश्मीर में जारी मानवाधिकार हनन से ध्यान हटाने के लिए दिए जा रहे हैं। ISPR की तरफ से किए गए एक के बाद एक ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय सेना की तरफ से आजाद जम्मू कश्मीर को लेकर जताई गई चिंता बेबुनियाद है। DG ISPR ने कहा है, भारतीय सेना के ऑफिसर के बुलंद दावे और वास्तविक महत्वाकांक्षा बौद्धिक रूप से अपमानजनक है। पाकिस्तानी सेना एक ताकत है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थक है। शांति की यह इच्छा हमारे क्षेत्र के खिलाफ किसी भी दुस्साहस या आक्रामकता को विफल करने की हमारी क्षमता और तैयारी से मेल खाती है। बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि आतंकवादी कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। POK के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि सरकार जब भी आदेश देगी, सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ POK को वापस लेने में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।